आपने कोमा की बात की तो बहुत से लोग वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो आजकल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है मर्सी किलिंग का। अब इथिकल ग्राउंड पे इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हैं, तो ये क्या सही है कि मर्सी किलिंग देनी चाहिए अगर लाइफ का ये वो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई ये कभी रिवाइव कर पाएगा, तो इसमें आप थोड़ा सा प्रकार यूथनेसिया मर्सी किलिंग का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा डिबेट का विषय है एक्चुअल में। इस पर तो देखिए आपने यहाँ भी कोर्ट ने भी उसका डिसीजन डाला और बाहर भी चीज़ें आईं, तो अलाउ करने की स्थिति उसमें बनती है, लेकिन वो बड़ी एक्सपर्टाइज और मेडिकल ग्राउंड की स्थिति है, यानी कि ये आम व्यक्ति के निर्णय लेने की स्थिति नहीं बनती है। मेडिकली जब कई बार जो एक्सपर्ट हैं वो एग्जामिन करके इस बात को बिल्कुल श्योर कर देते हैं कि इसमें कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह से, जो चीज़ें इतनी डेड हो चुकी हैं जो सर्वाइव अब रिवाइव नहीं करेंगी, तो उस कंडीशन में उसकी अप्लाई करने की जो चीज़ें वो एक्सेप्ट भी करी गई है लीगल फॉर्मेट में भी, तो मैं उसको तो मानता हूँ कि वो ठीक है। लेकिन मेडिकल ग्राउंड में जैसा कि हमने उसमें भी उदाहरण दिया, ऐसे भी उदाहरण दिए गए हैं कि जब लंबे प्रोलॉन्ग टाइम के बाद भी लोग सर्वाइव कर गए, तो हम लोग जैसे बाहर खड़े होकर इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं कि इसको कितनी जल्दी जाना है नहीं जाना है। तो बहुत एक्सपर्ट एनालिसिस होनी चाहिए कि बॉडी की क्या कंडीशन है, और फिर उस शरीर को बहुत कष्ट देने के बजाय उसको जाने दिया जा सकता है, क्योंकि अगर ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं सर्वाइव होने की है तो जाने, उस कंडीशन में एक्सेप्टेड है। लेकिन कुछ कंडीशंस में तो चीज़ें आती ही हैं, सर्वाइव होके आती हैं। आसपास के लोगों को निर्णय नहीं लेना चाहिए, मैं इसको नैतिक रूप से समर्थन करूंगा, क्योंकि वो अपनी परेशानी से बचने के लिए, कभी पिंड छुड़ाने के लिए, कभी किसी और बात से वो सोचते हैं कि जल्दी करें, तो हमको इतनी जल्दी क्या है, हम देखें जीवन का जो भी सारा उतार चढ़ाव उसका आमना सामना करें उस तरह से, तो वो हमको मॉरली और एथिकली स्ट्रांग भी बनाएगा, करुणापूर्ण और प्रेमपूर्ण भी बनाएगा। अब ये भी क्या है कि किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम में थे, अचानक आपको लगा कि अभी कुछ भी रिस्पांस की स्टेज में नहीं है, फिर आप हम ही को जल्दी हो गई कि जल्दी से उसको यूथनेसिया में डालें और काम खत्म है, डाल के करेंगे क्या, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फ्री होकर कहाँ जाएंगे, चलने दीजिए जीवन का, देखिए ये भी रंग देखिए जीवन का। तो पर्सनली हम लोगों के पास विकल्प नहीं है कि हम तय कर पाए, लेकिन मेडिकली उसकी पूरी तहकीकात करी जानी चाहिए तब डिसीजन ले सकते हैं। और कोमा से बाहर आने की स्थितियां तो आप भी जानते हैं, देखिए इवन पर्सनली मेरे सामने जो मेरे ब्रदर रहे, तो दो बार तो पर्सनली उनके सामने मैंने इस चीज़ को आँखों से देखा, इसलिए मैं इसको समर्थन करता हूँ कि हम नहीं जानते क्या होने वाला है, क्योंकि दो बार, एक बार में, यहाँ तो कोमा की स्थिति होती है एक बार में ही व्यक्ति सरवाइव नहीं करता है, ब्रेन सर्जरी के बाद दो बार वो कोमा में गए, कोमा के स्टेज में, जब सारी चीज़ें करीब करीब बंद हो गई, वेंटिलेटर पे केवल सब फंक्शन चल रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो सरवाइव हुए कुछ दिन के बाद। पहली बार में कोमा की स्थिति तब भी सब फंक्शन बंद हो गए, दूसरी बार की स्थिति तो ये थी कि जो वहाँ के नर्स और वो थे उन सब ने ही मुझसे कहा कि वो तो ही इज ऑलमोस्ट डेड, नॉट फंक्शनिंग, डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट बनाने वाले थे बट ही सर्वाइव्ड। थोड़ी देर के बाद उन्हें आँखें खोल दी, कोमा से बाहर आ गए, उसके बाद रेस्ट रजिस्ट्री आप लोगों ने भी देखा कि 3 साल या 3.5 साल करीब हम लोगों के साथ रहे। तो उस कंडीशन को वॉच करने के बाद मैं भी इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हम नहीं जानते क्या चीज़ है ये, तो अगर हम जिन लोगों से जुड़े हैं हम उसको संवेदनशीलता से देखना चाहते हैं तो मेडिकल हेल्प लें, लेकिन अपना निर्णय हमको लेने की ज़रूरत क्या है, बस ये है चीज़। और 10-12 साल वाला केस भी तो है ही है मेडिकल हिस्ट्री में, तो उस केस की वजह से भी मेडिकल मतलब वर्ल्ड में ही ये ओपिनियन थी जो कोर्ट में भी गई, उन्होंने कहा कि हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जो इतने टाइम के बाद भी सरवाइव किए हैं, तो उस कंडीशन में तो वो हत्या ही होगी, उसको अगर हम
यूथनेशिया में डालते हैं, तो वो तो उसको मारना ही हुआ एक तरह से। तो ये कंडीशन है, मैं समझता हूँ बहुत एक्सपर्टाइज की नीड है, और आम व्यक्ति के लिए ये एक संवेदनशीलता की, सजगता की, अवेकनिंग की, कुछ समझने की स्थितियाँ हो सकती हैं बस।